हाय दोस्तों, वेलकम टू हैप्पी ब्लॉग। दोस्तों मैं आया हूँ शगुन गार्डन में। यहाँ पे चल रही थी गाने की शूटिंग। गाने का नाम है मैगजीन। तो दोस्तों आज मैं बड़ा ही खुश हूँ क्योंकि मैं इस गाने के नाम से भी काफ़ी खुश हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे मौका मिला है मिलने के लिए हरियाणा के उभरते हुए कलाकारों से। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा आप लोगों के सामने। सर आपका ये पहला गाना है? नहीं सर, काफ़ी आ चुके हैं, मतलब 4-5 सॉन्ग आ चुके हैं पहले। तो सर आपको क्या लग रहा है कि ये गाना चलेगा कि नहीं चलेगा? सर ये तो नहीं कह सकते, बाकी हमें तो उम्मीद है और काम भी, मतलब मेहनत करी है पूरी, और आगे तो फिर ऑडियंस बताएगी, रिस्पॉन्स देगी कितना। तो आपके इस गाने से मुझे लग रहा है कि जहाँ तक मैंने ये गाना सुना है कि ये ट्रेंड चेंज कर सकता है हरियाणा जो इंडस्ट्री है वहाँ पे। तो हो सकता है कि जो बड़े बड़े कलाकार हैं, हम तो युवा कलाकार हैं जी, तो वहाँ पे उनको उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो भाई यही है कि सब अच्छा काम कर रहे हैं अपनी जगह, हम अपना अच्छा काम कर रहे हैं, वो अपना अच्छा काम कर रहे हैं, और हमें भी खुद को उम्मीद है कि मतलब सॉन्ग अच्छा रिस्पॉन्स देगा जी। तो दोस्तों अभी हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी सर, आप बताइए सर, आपको कैसा लगा काम करके? मेरे भाई आप आए, आपने यहाँ तक वेट किया। पहले तो मैं आपका बहुत बहुत मतलब कि शुक्रिया करना चाहूँगा, और बाकी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और बाकी जो ये हमारा सॉन्ग है, हम इस टाइप से कि जैसे कि हम मतलब कि आज के जो भी देख रहे हैं अपनी जनरेशन वगैरह सारी नशा के ऊपर जाने लग रही है, तो हम चाहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें देख के कि देखा हो आपने बदमाशी ये चीज़ें, मतलब कि हम चाहते हैं कि ये चीज़ें ना होते हुए ना नशे मतलब को दूर किया जाए। आजकल क्या है कि लोग जैसे युवा बच्चे हैं वो स्टेटस देखते हैं बदमाशी वाले या ड्रग्स से रिलेटेड। देखो अपना अपना इंटरेस्ट है, लेकिन मेरा मानना ये भी अपना एम पे भी फोकस करो आप साथ में, मतलब ये चीज़ यूज करते हैं, मेन चीज़ अपना एम पे रखो। तो सर आपका कौन सा गाना है ये? आपका ये हमारे सॉन्ग का नाम है भरी मैगजीन। अच्छा, ये अभी हम लॉन्च शायद ये 22 के राउंड होगा शायद हमारा लॉन्च, वो हम आपको बता देंगे कंफर्म करके, वो हम आपको चैनल का लिंक भी दे देंगे, आप अपने बायो में नीचे डाल देंगे उसको। तो हम हैशटैग कर सकते हैं जैसे हैशटैग नो ड्रग्स या हैशटैग से? बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप ऐसे हैशटैग लगा के यूज करके आप इस गाने को मतलब कि कुछ मान लीजिए इसे थोड़ा बहुत मान लो एक दो मान लो कम से कम बंदे भी देखें, कुछ ना कुछ तो हम ये रहेगा कि फैक्ट पर अगर एक बंदा भी हमारे उससे चीज़ से सुधर रहना, तो हम ये चीज़ सोचेंगे हाँ भाई हमारी कुछ मेहनत हुई है ये चीज़। नमस्ते मैडम, आपने मैडम हम पहली बार मिला हूँ मैं भी आपसे, तो आपने मेरे को सुनने में आया कि आपने पहले भी गानों में काम किया। हाँ जी, हाँ जी, तो कौन कौन से गानों में काम किया मैडम पहले आप? मेरा प्रियंका बोस नाम से वो है, वो सर्च कर लेना उस पर आ जाएगा सारे। तो मैम आपको कैसा लगा सर के साथ काम करके, पूरी टीम के साथ काम करके? अच्छा है। एक बार टीम दिखा दीजिए आप, एक बार टीम दिखा दीजिए, ये पूरी टीम है अपनी गाने। तो आप बताइए मैडम कि आप आ जाइए, आप टीम आप बताइए आपको कैसा लगा मतलब काम करके, कैसा एक्सपीरियंस था गाने के लिए? आपको कैसे मतलब आइडिया मिला या सर ने कैसे कॉन्टेक्ट किया? मेरी सर से हुआ था मेरा, तो इन्होंने बताया। तो आपको कैसा लगा इधर चक्की दादरी में पहली बार आए? बहुत अच्छा लगा। तो आपको क्या लग रहा है कि मैडम ये गाना हमारा कहाँ किस लेवल तक ट्रेंड करेगा? देखिए मैं बताता हूँ ये चीज़ का, मैं बताता हूँ चीज़ का, देखो ये चीज़ है कि हमने अपने जो भी ट्रेंडिंग के हिसाब से यूनिक चीज़ हमने डालने की कोशिश करी है, और हमारी तरफ से तो यही रहेगा हम अपना बेस्ट से बेस्ट देंगे, बाकी चीज़ ऑडियंस के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप एक बार देखोगे ना पसंद जरूर आएगा, और एक बार ट्राई करना और थोड़ा सपोर्ट करना आप हमें। और जी आपके गाने में मैंने पिछले वाले गाने में देखा था हाईलाइट वाले सॉन्ग में, आपकी एडिटिंग डीओपी टीम आपकी वही रहती है लगभग? जी जी, आपका काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन है, बस एक तालमेल जुड़ा हुआ है एक दूसरे से आपस में, मतलब कि हमारी लोग हमारे सुमित भैया भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, सुमित भैया शगुन गार्डन। जी 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 जी, दादरी में काफ़ी नाम है शगुन गार्डन। बिल्कुल है, मतलब कि प्रयास ग्रुप से भी हैं भैया, और मतलब उनका नेचर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हम आप हमें ये बताइए कि आप एडिटिंग कौन से सॉफ्टवेयर पे करते हैं, मीन्स आपका फेवरेट सॉफ्टवेयर क्या है? वो हमारा कौन सा बताएगा? सबसे पहले तो नमस्कार, मैं रविकांत शर्मा। एडिटिंग तो हम मेनली फाइनल कट प्रो पे भी करते हैं, वैसे तो प्रीमियर प्रो से भी करते हैं,
और कलर ग्रेडिंग्स वगैरह दाविंची रिजोल्व से करते हैं, वैसे हम अपना बेस्ट निकाल के देते हैं। आपने फिल्मोरा तो नहीं यूज किया होगा शायद? फिल्मोरा में हाँ जी पता है मुझे, वंडरशेयर फिल्मोरा, बट ना ये थोड़े से प्रीमियम आ जाते हैं दाविंची रिजोल्व जैसे ना, ये प्रॉपर कलर ग्रेडिंग के लिए ही यूज होता है, और प्रीमियर प्रो वगैरह, फाइनल कट प्रो वगैरह, ये दाविंची रिजोल्व से काफी मतलब ऊपर, ये प्रीमियर प्रीमियम क्वालिटी में आ जाते हैं। आपको काफी एक्सपीरियंस हो गया होगा, ये आपका कौन सा सॉन्ग है एडिटिंग करते हो, या आपने कहाँ कहाँ एडिटिंग की है, फिल्म में भी किए? मैंने काफ़ी, मैंने टीजर्स भी एडिट कर रखे हैं, वेडिंग टीजर्स भी एडिट कर रखे हैं, सॉन्ग्स भी कर रखे हैं, तो ये अभी हमारा ही, और ये भाई हमारे तो अपना ही सॉन्ग है ये, तो थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोगों को मिलते हैं हम नए चैनल पे, और हम आपका चैनल का नाम बताइए सर, कहाँ पे? स्काई रिकॉर्ड सर, स्काई रिकॉर्ड सर, ये नया चैनल है सर? जी ब्रो, जी जी, ये नया चैनल है दोस्तों, मिलते हैं, सो थैंक यू वेरी मच, ओके थैंक यू जी।